नमस्कार दोस्तों, यूपी न्यूज़ ऐप पर मैं निखिल गोयल आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज मैं मथुरा जिले के ग्राम पंचायत मुखराई में, यहां से इस बार प्रधान पद के लिए प्रत्याशी हैं जगदीश भगत जी, उनके पुत्र विजेंद्र जी हमारे साथ है। तो आइए उनसे जानते कि वे किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। विजेंद्र जी, आप किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? नमस्कार जी, ग्राम पंचायत को मैं नमन करता हूँ कि हमारे गांव में सारे रास्ते जो हैं भटके हुए हैं, सारे रास्ते खराब हुए हैं, उनको सुधारने की कोशिश की जाएगी। एक अपने जो है कि मराठा बोलते हैं सारे शमशान सारे गांव के, वो जो रास्ता भी खराब हैं उनकी, और उनमें जो वहाँ से बारिश बारिश होती है तो वहाँ बैठने के लिए जगह नहीं है, कि वहाँ का भी सुधार करवाया जाए। जब यहाँ पर बिजली, सड़क, पानी, बिजली बिजली का सर ये है कि लट्ठों पे रोशनी के लिए कुछ सुविधाएं नहीं है, सारे वो भी करवाए जाएंगे। अच्छा, जो पंचायत में आपसे झगड़े होते हैं उसमें क्या भूमिका रहेगी आपकी? झगड़े का सर ये है कि गांव का मैटर गांव में ही समझा दिया जाए, उससे बेटर कुछ नहीं है। हमारा कहने का मतलब ये है कि मान के चलो यहाँ पे झगड़े हो जाते हैं, क्यों पुलिस को रिपोर्ट करते हैं, तो दोनों पार्टियों से पैसा खाया जाता है। क्यों ग्राम पंचायत में कि ऐसा चुना जाए प्रधान कि मतलब वो गांव का मैटर गांव में ही सुलझा दिया जाए। शिक्षा चिकित्सा की क्या स्थिति है गांव में? शिक्षा शिक्षा की ये है, उस पे सुधार करवाया जाए कि थोड़ा अपने यहाँ पे रास्ता ऐसी है कि, और हॉस्पिटल दूर पड़ता है, राल जाना पड़ता है कि यहाँ पे गोवर्धन जाना पड़ता है, अब तो कोरोना में तो बहुत परेशानी आई है। अच्छा, जैसे पंचायत में आपको कोई बरात घर भी नहीं है तो उसमें क्षेत्र में क्या भूमिका रहेगी? हाँ जी, बरात घर की इतनी है नहीं, बरात घर के लिए बहुत परेशानी होती है। मंदिर हैं, मंदिरों पे रोकी जाती हैं बरातें, बरात घर क्या भी बनवाए जाए, वो भी हमारा एक निवेदन है। और कोई जो सोचना सभी ग्रामवासियों को देना चाहोगे आप हमारे माध्यम से? ग्रामवासियों को ये ही कहना चाहता हूँ मैं कि थोड़े बहुत जो गरीब लोग हैं उनका सहयोग करें, कोई भी हो जाए ग्राम पंचायत में प्रधान, कोई भी हो जाए उनको सहयोग करें, जो थोड़ा मकान है मकान आते हैं या कि पेंसिल वगैरह हैं उनको मतलब सहयोग करें। नमस्कार दोस्तों, यूपी न्यूज़ ऐप पर एक बार फिर निखिल गोयल में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज मैं मथुरा जिले के ग्राम पंचायत मुखराई में, यहां से इस बार प्रधान पद के लिए प्रत्याशी हैं देवीलाल सिंह जी, जिन्हें यहां देवी प्रसाद जी के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए उनसे जानते कि वे किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। देवीलाल जी, आप किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में? जिस गाँव में काम कराना चाहते हैं, जो सबका साथ सबका विकास, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, और गांव में एक बरात घर की व्यवस्था, शमशान भूमि को चारों ओर से बाउंड्री, उसमें एक नल की व्यवस्था। अच्छा, अभी यहाँ पे शिक्षा की क्या स्थिति है? शिक्षा की फिलहाल सही स्थिति है गांव में, चल रहा है शिक्षा, और भी हम सहयोग करेंगे और भी अच्छी शिक्षा मिले बच्चों को। चिकित्सा की क्या स्थिति है? शिक्षा की एकदम सही स्थिति है फिलहाल में तो इस वक्त। अच्छा, अभी यहाँ पे जो पंचायतों में बहुत बड़ी समस्या है आवारा पशुओं की, बंदरों की, तो यहाँ पे भी ऐसी कोई समस्या है? जी हाँ, ऐसी समस्या है। उस समस्या में क्या समाधान करोगे आप? उस समस्या में एक छोटी सी गौशाला की इच्छा है हमारी, उसमें खुलवाने की। ये जो गौचारा है बाजार लगे, वो गाय वगैरह, इनके लिए एक बाउंड्री करवाई जाए, गौशाला बनवाई जाए छोटी सी, उसमें इनका पालन हो सके। अच्छा, जो पंचायत में आपसी झगड़े होते हैं इसमें क्या भूमिका रहेगी आपकी? ये तो झगड़े भी गांव वगैरह में चलते रहते हैं, ये तो आपका कोशिश रहे कि गांव के झगड़े गांव में ही निपट जाए, गांव में ही निपट जाए जी, पुलिस थाने नहीं जाए। और कोई विशेष बात बताना चाहेंगे हमारे माध्यम से पूरे ग्रामवासियों को? नहीं, और आप? दोस्तों, यूपी न्यूज ऐप पर मैं निखिल गोयल आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज मैं मथुरा जिले के ग्राम पंचायत मुखराई में, यहाँ से इस बार बीडीसी पद के लिए उम्मीदवार हैं महेंद्र जी। तो आइए उनसे जानते कि वे किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। महेंद्र जी, आप किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में? ये साहब, गांव के समाज के लिए, ये जनता जो गांव के लोग जो कहेंगे, काम जो माँ कराएंगे वही जगह पर काम कराऊंगा,
ऐसा तो है नहीं कि अपने घर लगा लूँ के जेब में धर लूँ, वो काम तो जनता होने नहीं दे दोगी। जो तो ये काम जनता कहेगी उस जगह पे काम किया जाएगा। यहाँ पे बिजली, सड़क, पानी, इनकी क्या स्थिति है अभी? बिजली थोड़ी लाइट दिन में कट जाती है, रात में आ जाती है, कभी झटके देती है। ये गोवर्धन वाला रोड थोड़ा गड़बड़ ज़्यादा है रहा है, इसकी सुनवाई करी जाए, क्योंकि क्या उसमें गुट्टी कबाड़े से गाड़ी घोड़ा नहीं निकलता पाता है। उसका देखभाल करके नहीं है, उसकी सेवा हो जाए तो सकते अति सुंदर बात है।